प्रिय विद्यार्थियों, लोक प्रशासन की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। हम लोग इससे पूर्व ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली का अध्ययन कर चुके थे और उसके अलावा बाद में हम लोगों ने ब्रिटेन के जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा। आज हम अमेरिका की जो अध्यक्षीय प्रणाली है उसके बारे में देखते हैं। जिस प्रकार संसदीय व्यवस्था में ब्रिटेन का नाम अग्रणी है, उसी प्रकार क्या है संयुक्त राज्य अमेरिका जो है उसमें संघीय व प्रांतीय दोनों स्तरों पर क्या है अध्यक्षीय प्रणाली पाई जाती है, वो भी अध्यक्षीय प्रणाली के रूप में अमेरिका जो है वो अग्रगण्य है। और अमेरिका की जो अध्यक्षीय प्रणाली है वो क्या है अध्यक्षीय प्रणाली का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण मानी जाती है। ब्रिटेन में जहाँ संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया है और उसमें कार्यपालिका के दो रूप होते हैं, एक नाम मात्र की कार्यपालिका होती है और एक क्या है वास्तविक कार्यपालिका होती है। नाम मात्र की कार्यपालिका के रूप में ब्रिटेन के सम्राट होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, और वास्तविक कार्यपालिका के रूप में क्या है प्रधानमंत्री होते हैं। ये हमने क्या है ब्रिटेन की जो संसदीय व्यवस्था थी उसमें हम लोगों ने पढ़ा। लेकिन अमेरिका की जो अध्यक्षीय शासन प्रणाली है उसमें एकहरी कार्यपालिका होती है, यानी एकल कार्यपालिका होती है। इसी प्रकार अध्यक्षीय शासन प्रणाली में क्या है शासन का जो अध्यक्ष है उसका निर्वाचन जो है वो जनता के द्वारा होता है और राष्ट्रपति विधायिका का अंग नहीं होता और न ही विधायिका के प्रति उसको क्या है उत्तरदायी बनाया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति अपनी शक्तियाँ स्वयं या मंत्रिमंडल के सदस्यों के द्वारा निर्वाहित करता है। मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं वो कांग्रेस के सदस्य नहीं होते और न ही वो कांग्रेस की कार्यवाही में भाग लेते हैं, न ही वो कांग्रेस के प्रति क्या है उत्तरदायी होते हैं। तो इस प्रकार से क्या है ये अमेरिका में अध्यक्षीय शासन प्रणाली है, इसकी कुछ विशेषताएं हैं, तीन खास विशेषताएं हैं, उनको हम क्या है देखते हैं। पहली है शक्ति पृथक्करण। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य क्या है शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है, इसको क्या कहते हैं हम शक्ति पृथक्करण कहते हैं। शासन के ये जो ये तीनों अंग हैं ये एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, फिर भी कुछ क्या है नियंत्रण के सिद्धांत बने हुए भी हैं। संसदीय शासन व्यवस्था में विधायिका से ही क्या है कार्यपालिका का निर्माण होता है, कहने का भाव ये है कि विधायिका में ही क्या है कार्यपालिका समाहित होती है, ऐसा अध्यक्षीय प्रणाली में होता नहीं। अमेरिकी कांग्रेस कानून बनाने में स्वतंत्र हैं जबकि राष्ट्रपति जो हैं वो कार्यकारी जो शक्तियां हैं उसके प्रयोग में स्वतंत्र हैं। राष्ट्रपति के जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वो न तो क्या कांग्रेस में विधेयक प्रस्तुत करते हैं और न ही कांग्रेस के द्वारा बनाए जा रहे कानूनों में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार से क्या है शक्ति पृथक्करण अमेरिकी अध्यक्षीय शासन प्रणाली की एक विशेषता है। दूसरी विशेषता है वो है निश्चित कार्यकाल। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में विधायिका तथा कार्यपालिका का कार्यकाल क्या होता है निश्चित होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति 4 वर्ष के लिए चुना जाता है जिसे सिवाय महाभियोग के कांग्रेस क्या है पद से नहीं हटा सकती। कांग्रेस क्या है अमेरिका की संसद का नाम क्या है कांग्रेस है, तो अमेरिकी संसद जो है कांग्रेस जो है वो बिना महाभियोग के अमेरिकी राष्ट्रपति को 4 वर्ष से पहले हटा नहीं सकती और न ही राष्ट्रपति कांग्रेस को भंग कर सकता है। अमेरिकी कांग्रेस का उच्च सदन है जिसको हम सीनेट कहते हैं, हमारे यहाँ पे राज्यसभा होता है वो स्थाई सदन है, तो वैसे अमेरिका में क्या है कांग्रेस का यानी कांग्रेस अमेरिकी संसद का जो उच्च सदन है वो क्या कहलाता है सीनेट कहलाता है, वो भी क्या है स्थाई सदन है और वहाँ सीनेटर का कार्यकाल कितना होता है 6 वर्ष का। हमारे यहाँ पे भी क्या है राज्यसभा में भी क्या है कार्यकाल राज्यसभा के मेंबर का कितना होता है 6 वर्ष का होता है, जबकि निम्न सदन जिसको प्रतिनिधि सभा कहते हैं हमारे यहाँ पे क्या है लोकसभा है, वहाँ पे क्या है अमेरिका में प्रतिनिधि सभा है,
तो प्रतिनिधि सभा जो है उसका कार्यकाल क्या होता है, 2 वर्ष होता है, यानी उसके मेंबर का जो कार्यकाल कितना होता है, 2 वर्ष होता है। जिस प्रकार भारत में सन 1989 से 1999 के बीच में 5 बार लोकसभा चुनाव हुए, ऐसी स्थिति अमेरिका में संभव नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति को संसदीय प्रणाली वाले प्रधानमंत्रियों की तरह विश्वास मत या अविश्वास प्रस्ताव का सामना नहीं करना पड़ता। तो इसलिए क्या होता है, वहाँ पे कार्यकाल क्या होता है, निश्चित होता है। तो ये 2 विशेषताएँ होगी। तीसरी विशेषता है एकल कार्यपालिका, ये हम थोड़ा पढ़ भी चुके हैं, फिर देख लेते हैं। अमेरिका में क्या है, दोहरी कार्यपालिका नहीं पाई जाती, बल्कि क्या होता है, इकहरी या एकल कार्यपालिका पाई जाती है, और उसके रूप में कौन होता है कार्यपालिका के रूप में, राष्ट्रपति। एक विद्वान रहे हैं ब्रोगन, उन्होंने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ऐसा सम्राट है जो स्वयं ही अपना प्रधानमंत्री है, अर्थात थोड़ा सा क्या उन्होंने तुलना की है ब्रिटेन की व्यवस्था से, अर्थात वहाँ प्रधानमंत्री पद का अस्तित्व ही नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति ही कार्यपालिका का सर्वे सर्वा होता है। राज्य का अध्यक्ष, शासन का अध्यक्ष तथा कार्यपालिका के रूप में तीनों ही काम क्या है, राष्ट्रपति एकमात्र करता है। भारत में जैसे दोहरी कार्यपालिका की उलझने हैं, तो इस प्रकार की उलझनों का क्या है, सामना क्या है, अमेरिका में राष्ट्रपति को नहीं करना पड़ता है। तो हम लोगों ने ये अमेरिका की अध्यक्षीय शासन प्रणाली की क्या है, 3 विशेषताओं के बारे में देखा, शक्ति पृथक्करण, निश्चित कार्यकाल और एकल कार्यपालिका। अब हम देखते हैं अमेरिकी जो अध्यक्षीय शासन प्रणाली है उसके क्या गुण हैं, मेरिट्स क्या हैं। तो इसके जो गुण हैं उनको क्या हम बिंदुवार निम्न बिंदुओं के रूप में देखते हैं। पहला जो गुण होता है वो है इसका स्थिर शासन। स्थिर शासन का मतलब यही है कि जैसे पढ़ चुके हैं कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली में क्या है, शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है, विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करती है, और शासन क्या है, स्थिर बना रहता है। राष्ट्रपति तथा विधायिका दोनों ही अपना कार्यकाल पूरा करते हैं, हम पढ़ चुके हैं भाई, जो सीनेटर हैं, सीनेट के मेंबर हैं, उनका 6 साल है, प्रतिनिधि सभा का 2 साल है, राष्ट्रपति का 4 साल है, सब अपना कार्यकाल पूरा करते हैं। यद्यपि राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, परंतु ऐसा अत्यंत विकट परिस्थितियों में ही किया जा सकता है। इसी प्रकार राष्ट्रपति प्रतिनिधि सभा को समय से पहले विघटित नहीं कर सकते हैं। कार्यपालिका व विधायिका का निश्चित कार्यकाल शासन को क्या है, स्थिरता प्रदान करता है, जिसमें कानून, नीतियों व कार्यक्रमों का क्या है, निरंतर क्रियान्वयन क्या है, संभव हो जाता है। यही कारण है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली के स्थान पर अध्यक्षीय प्रणाली को अपनाने के लिए बहस होती रहती है, क्योंकि विगत पिछले कुछ जो दशक हैं उसमें क्या है, हम लोगों ने 25 साल क्या है अस्थिर सरकारें, गठबंधन सरकारों का दौर रहा, उससे क्या है राष्ट्रीय विकास पर जो है थोड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इसलिए उस दौर में क्या है, अभी तो क्या है पिछले 2 जो सरकारें हैं केंद्र के अंदर वो पूर्ण बहुमत की सरकार रही है, तो उससे पहले क्या है ऐसी बहस छिड़ी थी। तो अमेरिका में क्या है ऐसी स्थितियाँ नहीं है, वहाँ क्या है स्थिर शासन पाया जाता है। दूसरा जो अध्यक्षीय शासन प्रणाली है अमेरिका की, उसका है प्रभावी शासन संचालन। इसमें क्या है कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति के पास समय, विकल्प और स्वतंत्रता क्या है पर्याप्त मात्रा में होती है, क्योंकि उसे राजनीतिक संकीर्णताओं या बाध्यताओं का क्या सामना करना ही नहीं पड़ता। जबकि संसदीय प्रणाली जो है, विशेषकर जहाँ पे अल्पमत की सरकारें हैं, गठबंधन की सरकारें हैं, वहाँ पर क्या होता है प्रधानमंत्री बहुमत बनाए रखने व संबंधित जो राजनीतिक दल या दलों के जो आका हैं, उनके जो मतलब अध्यक्ष हैं पार्टी के, उनको खुश रखने और सदन में जो छिटनाकसी होती है उससे बचने में क्या है वो अपनी क्या सारी एनर्जी क्या है नष्ट करता रहता है। राष्ट्रपति को यह स्वतंत्रता रहती है कि वह अपनी इच्छा से क्या है मंत्रियों का चयन कर सकता है, कहाँ पे, अमेरिकी शासन प्रणाली में, आवश्यकता के हिसाब से प्रशासनिक फेरबदल भी कर सकता है, और राष्ट्रपति का कार्यकाल भी क्या होता है निश्चित होता है। अतः वहाँ क्या होता है नौकरशाही भी क्या है मानसिक रूप से क्या है राष्ट्रपति की नीतियों को समझने और उन्हें कुशलतापूर्वक लागू करने के लिए क्या है तैयार रहती है।
संसदीय लोकतंत्र में क्या है, अस्थिर सरकारें होती है, प्राय नौकरशाही निरंकुश या लापरवाह भी हो जाती है, क्योंकि उच्च स्तरीय जो नियंत्रण व्यवस्था है वो क्या प्रभावी नहीं होती। वास्तव में कल्याणकारी व संसदीय लोकतंत्रात्मक राज्यों में प्रजातंत्र जो है वो एक प्रकार से छलावा कई बार साबित हो जाता है। वास्तव में शासन तो नौकरशाही करती है संसदात्मक देशों में, ऐसा लगता है कभी कभी, लेकिन यह धारणा जो है अध्यक्षीय प्रणाली में क्या है उचित प्रतीत नहीं होती। तो इस प्रकार से वहाँ क्या है स्थिर शासन की वजह से प्रभावी शासन भी संभव हो जाता है। तीसरी जो इसकी विशेषता या गुण है वो है आपातकालीन स्थितियों में ज़्यादा उपयुक्त है ये। इसमें ऐसा कह सकते हैं कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली जो है उस समय ज़्यादा कारगर सिद्ध होती है जब कोई तुरंत निर्णय लेना हो। एकल कार्यपालिका तथा शक्ति पृथक्करण के कारण अध्यक्षीय शासन प्रणाली में शासन का जो अध्यक्ष है वो नीतिगत निर्णय सहजता से कर लेता है, जबकि संसदीय प्रणाली में बहुत ज़्यादा चिंतन मनन दीर्घ प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है। अमेरिकी राष्ट्रपति को युद्ध अधिनियम के अंतर्गत सेना की कमान संभालने और आवश्यकता के अनुसार निर्णय लेने की छूट दी गई है। युद्ध की घोषणा करने तथा संचालन करने के अलावा अन्य कई आपातकालीन स्थितियों का सामना अध्यक्ष प्रणाली में बेहतर ढंग से होता आया है। तो इस प्रकार से क्या है अमेरिकी अध्यक्षीय शासन प्रणाली में आपातकालीन स्थितियों में वो बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होती हैं। इसके पश्चात अगला गुण आता है राष्ट्रीय एकता में सहायक। इसमें हम बता सकते हैं कि अमेरिका विश्व का वह राष्ट्र है जहां सर्वाधिक राष्ट्रीयताओं के नागरिक निवास करते हैं। इसके अलावा भाषा धर्म वंश नस्ल संप्रदाय जाति तथा अन्य सांस्कृतिक आधारों पर अमेरिका में विविधता जो है वो परिलक्षित होती है। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय एकता के सामने क्या चुनौतियाँ व बाधाएँ आती है, लेकिन अध्यक्षीय शासन प्रणाली ने राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने में प्रभावी भूमिका निभाई है, क्योंकि वहाँ न तो राजनीतिक दलों की अनगिनत संख्या है और न ही सामाजिक वैमनस्य का असीमित प्रसार हो पाता है। संसदीय लोकतंत्र में विधायिका में संकीर्ण राजनीतिक मानसिकता स्पष्ट दिखाई देती है, जिसका सीधा प्रभाव जो है समाज पर पड़ता है। तो इस प्रकार से क्या है राष्ट्रीय एकता में क्या ये सहायक है। इसके बाद आता है संतुलित संबंध। अध्यक्षीय प्रणाली में विधायिका कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच क्या है स्पष्ट बंटवारे एक दूसरे से स्वतंत्रता के साथ नियंत्रण का प्रावधान होता है, यानी चेक एंड बैलेंस की थ्योरी होती है। इस व्यवस्था के कारण क्या होता है शासन का कोई भी अंग जो है वो क्या है ज़्यादा हावी नहीं हो पाता तथा नागरिक स्वतंत्रता क्या है बनी रहती है। व्यवस्थापिका कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का कार्य क्षेत्र स्पष्ट रूप से क्या होता है विभाजित होने के कारण संघर्ष व विवाद उस मात्रा में उत्पन्न नहीं होते जितने क्या है संसदीय प्रणाली में होते हैं। जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों से बनी विधायिका सशक्त अंग के रूप में कार्य करती है, जबकि संसदीय लोकतंत्र में विधायिका की भूमिका क्या होती है सीमित तथा अल्प प्रभावी होती है। तो इस प्रकार से वहाँ पर क्या है शासन के तीनों अंगों में नियंत्रण व संतुलन के माध्यम से एक बैलेंस बना रहता है। इसके बाद में छठा जो है गुण वो है अनावश्यक चुनाव व्यय से मुक्ति। संसदीय प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका अर्थात प्रधानमंत्री की इच्छा से क्या है विधायिका को भंग कर सकता है। उसी प्रकार विधायिका में विश्वास मत यदि खोते तो प्रधानमंत्री को त्यागपत्र करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में जबकि किसी एक दल का विधायिका में बहुमत न हो तो बार बार सरकारें क्या है बनती और गिरती रहती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है आम जनता और देश को क्या है नए चुनावों का सामना करना पड़ता है और वो क्या है प्रशासनिक कार्यों में बाधा उत्पन्न करता है और आर्थिक दृष्टि से एक बोझ भी सिद्ध होता है। इस प्रकार की ये जो समस्याएं हैं अमेरिकी प्रणाली में नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर क्या है मध्यावधि चुनावों का प्रावधान ही नहीं है।
मिड टर्म इलेक्शन का प्रावधान ही नहीं है, कार्यकाल पूरा ही करना पड़ेगा। तो इस प्रकार की व्यवस्था वहाँ पे है। तो ये हम लोगों ने आज अमेरिका की जो अध्यक्ष शासन प्रणाली है उसके गुणों के बारे में, उसके विशेषताओं के बारे में देखा। अब हम बाद में देखेंगे इसके दोष क्या क्या हैं, वो हम अगली क्लास में देखेंगे।